से अजमेर को जाने वाली 12,015 क्योंकि नई दिल्ली से 6:20 में चलना है। काठगोदाम जाने वाले हैं नई दिल्ली शताब्दी से, जो कि नई दिल्ली से 6:20 में चल के काठगोदाम पहुंचेगी 11:30 तक। हम सफर करने वाले हैं नई दिल्ली से रुद्रपुर सिटी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटती है नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि अभी हम चलने वाले। तो दिखाते हैं, हमारे सीट C3 में है। यह कंफर्टेबल जाए। हमारा सीट 6 है। बहुत वेरी नाइस। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं नई दिल्ली से रुद्रपुर सिटी के सफर। ये हमारा सीट है। और मेरे घड़ी में बज गया 6:20 और भी नई दिल्ली से 6:20 राइट टाइम शताब्दी एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चलिए गाड़ी। हम रुद्रपुर पहुँचेंगे 10:00, काठगोदाम पहुँचेगी 11:55 पे। ये न्यू दिल्ली के 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत ही क्लीन साफ सुथरा है। आगे चलते हैं, सीट पे बैठते हैं, देखते वीडियो बने रही। यूपी है, काफी हाई स्पीड पे चल रही है ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस। ब्रेकफास्ट के बाद टी टाइम के साथ हम धीरे धीरे पहुंच गए अब मुरादाबाद जंक्शन।
9:30 बज गया सुबह की और अभी हम पहुंच गए रामपुर। रामपुर इसीलिए हम उतरे हैं, हम काठगोदाम जा रहे हैं शताब्दी से। रामपुर के लोगों के साथ मेरे 15-20 साल से बहुत दोस्ती नाता है। बहुत ही खूबसूरत है रामपुर। रामपुर बहुत अच्छा है। ये शताब्दी से जा रहे हम दिन से रुद्रपुर सिटी। रामपुर के लोगों को सभी को मेरा नमस्कार। चलते हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है इधर। खेत खेत गेहूं का खेत, काफी खूबसूरत गेहूं पक गए। खूबसूरत नजारा है दोनों तरफ, फसल ही फसल है। हम रुद्रपुर सिटी पहुंच गया शताब्दी से राइट टर्न, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफर था। हम जा रहे हैं अभी दिनेशपुर हरि मंदिर। ये देखो, ये रुद्रपुर सिटी है, राइट टर्न आया, काफी सुंदर है। दिखा रही ये रुद्रपुर सिटी। अब चलते हैं आप रुद्र।